हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। दिस इज योर मेंटर राजेश नाग दिवे। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया कोर्स वेक्टर्स। जैसे हमने प्रोबेबिलिटी खत्म कर लिया है, आपने लॉजिक भी कंप्लीट कर लिया है, और अब मैं क्या करता हूँ कि वेक्टर से स्टार्ट करते हुए 3D का कोर्स, पूरा वेक्टर्स प्लस 3D, ये दो कोर्स करूँगा। अब ये दोनों कोर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, बोर्ड लेवल्स, मेंस लेवल, NDA, MSCT और एडवांस लेवल। एडवांस लेवल पे तो इसके क्वेश्चंस आपको बड़े आसानी से आप बना सकते हैं, जिस वे में हम लोग पढ़ते हैं उसके बेस पर। ठीक है, तो बहुत कुछ आप फिजिक्स में वेक्टर्स के बारे में जान रहे होंगे, बहुत जानते होंगे, लेकिन थोड़ा मैथमेटिकली आपको अप्रोच अलग रखना पड़ता है। तो देखते हैं वेक्टर्स। तो नंबर वन पॉइंट्स, मैं पॉइंट्स के हिसाब से आपको इसके जितने भी फंडामेंटल पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो पहले वेक्टर्स का डेफिनेशन आता है। दोज क्वांटिटीज, वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड, डेफिनेट मैग्नीट्यूड, डेफिनेट मैग्नीट्यूड, डेफिनेट डायरेक्शन, डेफिनेट डायरेक्शन एंड सपोर्ट। ठीक है, अब कई लोग क्या करते हैं, ये सपोर्ट के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करते। ये सपोर्ट बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, वेक्टर्स को सो सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज डेफिनेट मैग्नीट्यूड, डेफिनेट डायरेक्शन एंड ऑफ कोर्स सपोर्ट। अब देखते हैं कैसे। देखिए, ये लाइन है, ये लाइन जो है ना, ये सपोर्ट का काम करेगी वेक्टर्स के लिए, सपोर्ट ऑफ वेक्टर। अब इसमें वेक्टर्स हम देते हैं, तो वेक्टर्स जैसे मैंने ये ए और बी ले लिया, और इसको डायरेक्शन किधर दिया मैंने, देखते हैं, ये डायरेक्शन दे दिया, मतलब ये वेक्टर्स हो गया आपका इस प्रकार से, ये वेक्टर हो गया। तो इसको हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर, इनिशियल पॉइंट ऑफ फैक्टर इसको बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, टर्मिनल पॉइंट ऑफ फैक्टर। तो ए आपका इनिशियल पॉइंट है, बी आपका टर्मिनल पॉइंट है, और आप ए से बी की ओर जा रहे हैं, ए इनिशियल पॉइंट है, तो आपने डायरेक्शन दे दिया, ए से आप बी की ओर जा रहे हैं, और ये जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक के, ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा, ये इसका क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस ऑफ फैक्टर ए बी, इसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी या फिर लेंथ ए बी, लेंथ ए बी। ठीक है, तो वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट में आपने ये देखा कि वेक्टर में एक डेफिनेट मैग्नीट्यूड है, एक डेफिनेट डायरेक्शन है, करेक्ट है, और ये सपोर्ट है, इसका सपोर्ट, ये लाइन में जो वेक्टर है ये इसका सपोर्ट है, करेक्ट है। तो अगर मान लीजिए ए बी वेक्टर का डायरेक्शन ए से बी तक है, जिसमें ए इनिशियल पॉइंट है, ए इनिशियल पॉइंट है, और बी क्या है, टर्मिनल पॉइंट है, ये समझ में आ गया। तो डायरेक्शन क्लियर हो गया, हम ए से बी की ओर जा रहे हैं। अब अगर मैं बी ए वेक्टर में आता हूं, तो बी ए वेक्टर का क्या मतलब है, अब ये इनिशियल पॉइंट बन जाएगा बी, और ये आपका टर्मिनल पॉइंट बन जाएगा, टर्मिनल पॉइंट बनेगा, इसीलिए आप ये बोल सकते हैं कि हम बी से ए की ओर जा रहे हैं, बी से ए की ओर जा रहे हैं। तो एक्चुअली में इसको अगर हमको लिखना है ना, ए बी और बी ए को, तो ये माइनस ऑफ बी ए, ये माइनस ऑफ बी ए, मतलब आप ए बी और बी ए को बोल सकते हैं कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, किसके डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ए बी और बी ए तो डेफिनेटली उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, ए बी का डायरेक्शन ए से बी की ओर है, और बी ए का डायरेक्शन बी से ए की ओर है। और दोनों वैक्टर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी वैक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए वैक्टर्स। तो ये हो गया वेक्टर्स की बात, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अब दूसरे पॉइंट्स पे आ रहा हूं मैं, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। नल वेक्टर को देखते हैं, जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर क्या होगा ना, जिसका इनिशियल पॉइंट भी वही होगा और टर्मिनल पॉइंट भी वही है, मतलब ये यही इनिशियल वेक्टर है। अब वेक्टर इनिशियल पॉइंट और यही आपका टर्मिनल पॉइंट भी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। देखिए, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम होते हैं तो वो वेक्टर आपका नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कहलाता है। करेक्ट, ठीक है, फाइन। तो स्टूडेंट्स, अब आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे वेक्टर्स लाइक ये ए ए या बी बी या ओ ओ, ये सब यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, देखिए, इनिशियल पॉइंट भी वही है, टर्मिनल पॉइंट भी वही है, इनिशियल पॉइंट भी वही है, टर्मिनल पॉइंट भी वही है, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम है। तो जब इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाते हैं तो उसको हम नल वेक्टर बोलते हैं। अब आप नल वेक्टर के डायरेक्शन की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड तो इसका जीरो हो गया, मैग्नीट्यूड तो जीरो हो गया, कोई इश्यू नहीं है, इसका डायरेक्शन इनडिटरमाइंड रहता है। तो नोट करें पॉइंट, नोट, डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज इनडिटरमाइंड। इसका डायरेक्शन इनडिटरमाइंड होता है, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज इनडिटरमाइंड, प्लीज नोट इट। द डायरेक्शन ऑफ नल वैक्टर इज इनडिटरमाइंड, ठीक है, नोट करके रख लीजिए, फाइन। तो अब यहां आपने नोट कर लिया होगा, मैं एक एक पॉइंट्स पे आ रहा हूं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया डेफिनेशन वेक्टर्स की, सेकंड पॉइंट्स हो गया नल वेक्टर जिसमें कि इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम है, डायरेक्शन इनडिटरमाइंड है, डेफिनेटली मैग्नीट्यूड जीरो होगा। रिप्रेजेंट करने का तरीका ए ए बी बी या ओ ओ, कैसे भी कर दीजिए, बस उसमें इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स को सेम रखना है। करेक्ट है। अब इसमें नल वेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आ रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी में क्वेश्चन आता है, 100% क्वेश्चन इसी वेराइटी में आता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, मेंस लेवल से लेके एडवांस लेवल तक, एनडीए एमएससीटी, इन सब में इसका रोल बहुत वाइटल होता है, क्वेश्चन इसी में फ्रेम होता है। वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये वेक्टर सी। अब आप तीनों वेक्टर के डायरेक्शन को देखिए, ये यहां से इधर चले, इधर से इधर आ गए और इधर से यहां आ गए, मतलब जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं आ गए, मतलब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल और टर्मिनल दोनों सेम है, मतलब जिधर से स्टार्ट किए थे उधर आ गए। तो इसका ये मतलब होगा कि ये जो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर है, ये तीनों का सम जो होगा वो नल वेक्टर होगा, तीनों का सम जो होगा वो नल वेक्टर होगा। तो ये तो सिंपली अपने नल वेक्टर के बेस पे ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकाला है। अभी मैंने आपको ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन तो बताया ही नहीं है, मैं सिंपली आपको नल वेक्टर का जो डेफिनेशन है उसके बेस पे बताया कि यहां से इधर गए, फिर इधर गए और फिर वापस उसी जगह पे आ गए, मतलब अब इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट वो सेम है, मतलब ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये नल वेक्टर होगा, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे तो सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया नल वेक्टर्स के बारे में, अब आते हैं यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब यूनिट वेक्टर को चेकआउट करते हैं। यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर विच हैज वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए हैविंग मैग्नीट्यूड कॉमा,
having magnitude 1 is called as unit vector. क्या डेफिनेशन लिखा है मैंने? अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर से ए विच हैज द मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय, अब आते हैं, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप. अगर वेक्टर ए के अराउंड में है तो इसको ए कैप से रिप्रेजेंट, एंड इज गिवन बाय A cap is given by vector A divided by mod of A. अब ये relation बहुत important है. मतलब vector A को उसके magnitude से divide कर दिया तो unit vector है. अच्छा, एक और चीज को मैं बहुत आपको importantly बताना चाहूंगा कि देखिए, आपको mathematics को पूरा as a whole पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है. यही सारी चीजें आपने प्लेन में पढ़ी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ी है, यही चीज आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ी है, और यही चीज आप वेक्टर में पढ़ते हैं. सेम वही कॉन्सेप्ट आएगा, उसी वे में आपको चलना है. अच्छा साहब, अब आते हैं कि यहां से अगर आप देखें ना, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ये वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर का, और ये देखो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. वेक्टर ए कैप एक्चुअली में यूनिट वेक्टर है जो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को डिफाइन करेगा. करेक्ट, जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो उस वेक्टर का डायरेक्शन होगा. करेक्ट है, ठीक है सर. तो इसीलिए ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्ट, तो अब आप क्या करते हैं कि जो ये आई और जे और के जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो वैसे ही ये भी यूनिट वेक्टर होगा अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. ये तो हो गया एक्स वाई प्लेन में. अगर मैं स्पेस में आ जाता हूं, थ्री डी में आ जाता हूं, तो के भी हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस. मतलब आपको मैं यहां फिगर बना देता हूं, अगर आप एक्स वाई प्लेन में है तो ये एक्स एक्सिस होता है, तो ये आई कैप बन गया, और ये वाई एक्सिस होता है तो ये आपका जे कैप बन गया. तो ये आई कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, और ये जो जे कैप है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस. एज यू कैन सी दैट दीज यूनिट वेक्टर्स आर हैविंग द डायरेक्शन अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंड ऑफ कोर्स जे हैज द डायरेक्शन अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. एंड सिमिलरली इन स्पेस में ये हो जाते हैं x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस. ये i क्या, ये j क्या, और ये हो जाएगा k क्या. ठीक है, तो ये थर्ड ईयर स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर्स के बारे में नोट कर लीजिए. मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा और वो किसी पर्टिकुलर वेक्टर्स के डायरेक्शन को डिफाइन करेगा. तो वेक्टर्स जैसे मैंने ले लिया a, तो ये वेक्टर्स के अलोंग में अगर यूनिट वेक्टर है तो इसके डायरेक्शन को कौन डिफाइन कर रहा है, वो यूनिट वेक्टर डिफाइन करेगा. तो इसीलिए वेक्टर ए कैसे दिया जाता है, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड और फिर उसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन वेक्टर्स जो यूनिट वेक्टर है. करेक्ट, एक्चुअली में मैग्नीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी. देखो आप नए अलजेब्रा में मतलब आप वेक्टर अलजेब्रा में, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगी और ये एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी. ये आप फिजिक्स में पढ़ा होगा, स्केलर क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन नहीं होता और वेक्टर क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन भी होता है मैग्नीट्यूड के साथ में. करेक्ट कि नहीं? तो मैंने आपको ये बोला है आपको कि बस यहाँ पे थोड़ा फिजिक्स और मैथमेटिक्स में जस्ट थोड़े से अप्रोच को चेंज करने की जरूरत पड़ती है, बाकी सब वैसा ही है जैसा आपने वहां पढ़ा है. करेक्ट, फाइन. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी वेक्टर के अलोंग में यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए. करेक्ट है,
तो ये हो गया यूनिट वेक्टर, नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप नोट करिए इक्वल वेक्टर, कौन सा पॉइंट्स आ गए हम फोर पॉइंट्स पे, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे, तो इक्वल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच हैज सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा एंड हैज सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन एंड रिप्रेजेंटिंग, रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, करेक्ट। तो जिस जैसे मैंने अगर ये बात कर दी, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो ये वेक्टर ए एंड बी इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया और इसका डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है, फाइन। अब दूसरा वेक्टर मैं देखता हूं, ये दूसरा वेक्टर सपोज करो पी और क्यू है, और पी और क्यू का डायरेक्शन भी वही सेम डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए बी था, करेक्ट, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। ए बी का मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, इसीलिए वेक्टर ए बी एंड वेक्टर पी क्यू आर इक्वल वेक्टर्स, इनको हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर आप इसकी बात करेंगे, बट अगर मैं ए बी वेक्टर और क्यू पी वेक्टर की बात करूंगा तो दे आर नॉट इक्वल वेक्टर, नॉट इक्वल वेक्टर, बोलो क्यों, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट हो गए, डायरेक्शन डिफरेंट होने से वो इक्वल वेक्टर्स नहीं है, तो ये पॉइंट्स हो गया इक्वल वेक्टर्स। वीडियो को पॉज करिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। और अब आते बहुत इंपॉर्टेंट कोलिनियर वेक्टर्स, लाइक वेक्टर्स, इंपॉर्टेंट कोलिनियर वेक्टर्स। अभी कोलिनियर वेक्टर्स को आपको कोलिनियर पॉइंट्स जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है उससे थोड़ा सा आपको प्रॉपरली डिफरेंशिएट करते आना चाहिए। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब वो सारे पॉइंट्स जो एक ही लाइन में होते हैं उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, करेक्ट, ठीक नहीं। अब मैं बात कर रहा हूँ कोलिनियर वेक्टर्स, और आपने एक पैरेलल वर्ड सुना होगा ज्योमेट्री में, पैरेलल लाइंस, करेक्ट है, हाँ। तो अब यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर्स एक्चुअली में पैरेलल वेक्टर्स के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन हम पैरेलल वेक्टर्स नहीं बोलते, हम उनको कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। अच्छा, कोलिनियर वेक्टर होने से फिर दूसरा कंफ्यूजन आता है, क्योंकि अभी तक के हमने वेक्टर अलजेब्रा के पहले कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में सुना था, तो जो पुरानी चीजें है वो अब यहाँ पे कंफ्यूज तो करेगी, करेक्ट है कि नहीं, हाँ। तो कोलिनियर पॉइंट्स सारे के सारे पॉइंट्स जो एक ही लाइन में होते वो है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कोलिनियर वैक्टर्स, एक्चुअली में जो पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ आएगा, एक्चुअली में ये पैरेलल वैक्टर्स है लेकिन हम पैरेलल वैक्टर्स नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर वैक्टर्स। तो कोलिनियर वैक्टर्स की डेफिनेशन सबसे बस, दे हैव द सेम सपोर्ट, दे हैव द सेम सपोर्ट आर पैरेलल सपोर्ट, सेम सपोर्ट होगा या फिर पैरेलल सपोर्ट होगा, पैरेलल सपोर्ट, एक तो ये कंडीशन, ठीक है, या तो उनका सपोर्ट सेम होगा या फिर पैरेलल सपोर्ट होगा, तो ऐसे वेक्टर्स इनको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे। द डायरेक्शन में भी डिफरेंट, डायरेक्शन में भी सेम आर अपोजिट, उनके डायरेक्शन सेम भी हो सकते हैं या अपोजिट हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स की मैं बात करता हूं, अगर ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी और ये वेक्टर, देखिए ए बी या बी सी,
या फिर ए सी, सबके लिए ये लाइन सेम है, सेम सपोर्ट पर है वो, तो यहां पे आप बोलेंगे वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर ए सी आर कोलिनियर वेक्टर्स। अब सेम सपोर्ट होने से एक और बात होगी कि ये ए बी सी पॉइंट्स जो है दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन अब ये एग्जाम्पल नंबर वन हो गया, अब मैं एग्जाम्पल नंबर टू की बात करता हूँ, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर टू में कैसे होगा, ठीक है सर, तो टू को देखिए, टू में क्या हो रहा है कि ये वेक्टर जिसका सपोर्ट ये लाइन है और डायरेक्शन ये है, और ये वेक्टर्स पी क्यू ये डायरेक्शन है, तो यहाँ पे भी ए बी एंड पी क्यू आर कोलिनियर वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स होंगे, ठीक है। ए बी एंड पी क्यू आर कोलिनियर, ऑल्सो ए बी एंड क्यू पी आर कोलिनियर वेक्टर्स, ये भी कोलिनियर वेक्टर्स ही होंगे, दोनों के डायरेक्शन अपोज हो गए लेकिन फिर भी वो कोलिनियर वेक्टर्स होंगे, क्यों, व्हाई, बिकॉज देयर सपोर्ट्स आर पैरेलल, एज देयर सपोर्ट्स आर पैरेलल, तो सपोर्ट्स अगर पैरेलल है या सपोर्ट सेम है तो वेक्टर्स कोलिनियर होंगे। प्लीज स्टूडेंट्स नोट इट, सपोर्ट्स अगर पैरेलल है, ठीक है, या सपोर्ट सेम है तो ये क्या होंगे, वेक्टर्स कोलिनियर होंगे। हालांकि बाद में मैं आपको यहां नोट करके लिख लीजिए कि जब ये कंडीशन आएगी तो वेक्टर्स को हम कोलिनियर बोलेंगे। आगे मैं मैथमेटिकली ये कंडीशन बताने वाला हूं जिससे कि वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर टू ईच अदर, दैट इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सेट टू बी कोलिनियर टू ईच अदर इफ एनी वन ऑफ देम इज अ स्कैलर मल्टीपल ऑफ, वेयर लैम्बडा इज अ स्कैलर मल्टीपल ऑफ अदर, तो टू वेक्टर्स आर सेट टू बी कोलिनियर वेक्टर्स इफ एनी वन ऑफ देम इज अ स्कैलर मल्टीपल ऑफ अदर। स्कैलर मल्टीपल्स देख लीजिए आप, ठीक है कि नहीं, इस प्रकार से यहां आएगी, जैसे ए बी वेक्टर को मैंने टू से मल्टीप्लाइड किया तो ट्वाइस ऑफ ए बी हो जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगा, सपोर्ट सेम रहेगा, बस मैग्निट्यूड बढ़ गया, तो सेम सपोर्ट पर है ना, ठीक है कि नहीं। हाँ अब ठीक, अब आपने यहां देखा कि इसका डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों लाइन वेक्टर्स होते हैं, तो नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स इसको, मैं जल्दी से, आपको सेकेंड का टाइम है, तो ये जो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं ना वही वेक्टर्स लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स होते हैं। एक्चुअली में कोलिनियर वेक्टर्स दो प्रकार के हो गए, एक लाइक वेक्टर्स और एक